वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी, मेरी शादी कब तक होगी। बहुत सारे यंगस्टर्स का ये क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे पेरेंट्स भी वरीड अबाउट रहते हैं कि अरे मेरी बेटी की शादी कब तक होगी या मेरे बेटे की शादी कब तक होगी, होगी या नहीं होगी। तो मैं 6 मंथ्स तक का टारगेट लेके चलती हूँ कि विद इन 6 मंथ्स में आपकी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, आपकी बेटे की शादी होगी या नहीं होगी, या आप अगर खुद देख रहे हैं तो आपकी शादी कब तक होगी। चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, मगर जो लोग देख रहे हैं मेरा ये मानना है कि वो वीडियो वही टच करते हैं जिनसे थोड़ी बहुत रेजोनेट होती है। पूरी तो नहीं मैं कह सकती, बट हाँ थोड़ी बहुत तो होगी। आपके सामने मैं कार्ड शफल करूँगी। सामने कार्ड सफर करने से एनर्जीज कैच होती है, जैसे जब भी आप करोगे, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना बड़ा है, लाइफ का सवाल है, तो थोड़ा सा मैं प्रेयर ज़्यादा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके अभी थोड़ा सा इंतज़ार और है, ये 6 मंथ में तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं मतलब रीडिंग जो कार्ड्स बोलेंगे वही करूँगी, मैं अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं कि आपको खुश करने के लिए अच्छा अच्छा बोलूँ। बट हाँ, ये एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी होते हैं साथ में, तो वो सॉल्यूशंस लेके चले अपन। आपका जैसे गुरु ग्रह कुछ लोगों का नीच का है, कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है, और बहुत टाइम से। अच्छा, कुछ लोग रिलेशनशिप में भी रह के फिर उनका ब्रेक हो चुका है रिलेशनशिप, मतलब शादी तक जाते जाते बात ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है और बीच में टूट गई है। तो इसका रीज़न फ्रेंड्स यही है कि आपका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। अब गुरु की रेमेडी करें तो 41 डेज तक है ना, तो आपका आपकी पॉसिबिलिटी है इसमें। मगर अभी आपको जब तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जब तक आप गुरु ग्रह की शांति न कर लें, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से भी कई बार बड़ा फ़ायदा हो जाता है हमें। तो आपका चंद्रमा भी खराब है, सूर्य भी कमजोर है,
रिलेशनशिप आपके आपके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रह चुके हैं, जो भी जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग, कुछ लोगों के साथ तो हो ही रही होगी। अच्छा, पर्सनल उसमें अगर आप करेंगे तो अब जैसे शुक्र और गुरु के लिए वैसे ग्रह अलग अलग हैं, बट सैक्रल चक्र हम और सोलर प्लेक्सस चक्र पे अगर रेकी करते हैं, उसको हील करते हैं, तो चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं। जैसे शादी में भी जो दिक्कतें आ रही हैं या आपके रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मतलब वो होंगे रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो चुका है। अगर इंगेजमेंट हो चुकी है तो टूट चुकी है उनकी, शादी है तो मतलब बात पूरा पक्की हो गई थी और फिर ख़त्म हो गई, ऐसा हुआ है। अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है पूरा, मतलब सब नाइट में नींद भी नहीं आ रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी। अभी टाइम है फ्रेंड्स, आपके आपके न्यू रिलेशनशिप के लिए अभी टाइम है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपके बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहा होगा बीच में, मगर अभी या तो वो इस सिटी से बाहर हो गए हैं, या विदेश चले गए हैं, या विदेश के होंगे तो वो वापस चले गए हैं, मतलब आपको सब कुछ पता है, सब जान रहे हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब चीज़ों को बिगड़ने से रोक नहीं पाते हैं आप। आपको पता रहता है कि ये चीज़ डैमेज कर सकती है, मतलब चीज़ों को, कुछ बातें ऐसी होती होंगी, कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते होंगे तो, मगर आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं चीज़ें। प्रपोजल्स तो आपके पास आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कमी नहीं है प्रपोजल्स की, मगर कोई टिक नहीं रहा, कोई मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा है। आते हैं चले आते, कुछ दिन रुकते हैं, मतलब कुछ दिन आपको लगता है नहीं नहीं अभी ये सही है, राइट बंदा है या राइट बंदी है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो देखो, वो प्रॉब्लम किसी पर्सन की नहीं होती है, कहते हैं ना इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। सेम ये यहाँ पे भी लागू होती है ये बात। जब हमारे ग्रह खराब होते हैं ना, तभी हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं, चाहे वो घर से बिगड़ते हों, माँ बाप से बिगड़ते, भाई बहन से रिश्ते खराब होते हों, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते खराब होते हों, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं, माँ बच्चे का रिलेशन खराब हो रहा है, ये सारे ग्रहों की चाल होती है। जब ये कुंडली में या तो खराब बिगड़ते हैं, या ग्रह महादशा अंतरदशा खराब होती है, कुछ तो भी ये सब चीज़ें होती है ना जब ये जमीले होते हैं, अदरवाइज लाइफ स्मूथ चलती है। और कभी ऐसे बिगड़ते हैं तो कई टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है, अब जब महादशा लंबी लंबी चलती है, वो एक अलग टॉपिक है कि इसकी कितनी रहती है, बहुत सालों तक रहती है, किसी की 32 साल 16 साल, बहुत लंबी लंबी चलती है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। बट इसमें अभी मैं आपको देख सकती हूँ, आप गुरु ग्रह की रेमेडीज कीजिए तो काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। मानसिक जो आपका एकदम संतुलन बिगड़ा हुआ है कहना चाहिए, उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, निकाल लेती हूँ मैं ये एंजल्स क्या बोलते हैं आपसे, एंजल मैसेज। मुझे आर्कएंजल्स पे बहुत ट्रस्ट है। टफ टाइम में जो आपका साथ दे जाए, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई पर्सन जो आपको राय सही दे जाए, समझो आपका वही गुरु है। अगर आपको उसकी बात फिट बैठ गई, आपको फायदा कर गई, बस इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी कैच कर ली और आपसे आपको फायदा हो रहा है उस इंसान से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। समझ लो आप, आपकी एनर्जी उसको कैच कर गई। पैसा तो है आपके, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बट एंजाइटी है अभी, मतलब ऐशो आराम, पैसा
कहना चाहिए अपना जरूरत का पूरा काम चल रहा है आपका, है ना, पैसे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट एंजाइटी डिप्रेशन वही हो रहा है उसी का रिलेशनशिप का, शादी नहीं हो रही या बॉयफ्रेंड छोड़ गया या सक्सेस नहीं हो रहे हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी 6 मंथ तक तो नहीं है, जब तक आप रेमेडी कर लीजिए अपनी, उसके बाद मैं फिर रीडिंग निकालूंगी अगर आपसे, बीच बीच में भी निकालते रहूंगी, एनर्जीज चेंज होती रहती है, जैसे आप रेमेडी करेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, फिर देख लेना कोई सा वीडियो आपको रेजोनेट हो रहा है या नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा मुझे। एक तो मैसेज और निकाल लेती हूँ मैं, मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रह का तो हमने देख लिया, बिहेवियर प्रॉब्लम भी होता है ना कई बार, आप अभी बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, करेज रखिए, डिप्रेशन में तो चल रहे हैं आप, बहुत सैड एनर्जी आ रही है आपकी। पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स, मैं ये चाह रही थी कि आपके लिए कुछ अच्छा निकले, अभी पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, अभी आप बहुत मतलब दो सिचुएशन में बहुत फंसे हुए हैं, ये करूं ये करूं, एक बार शादी हो जाए तब चीजें शुरू करूं, एक बार ये रिलेशन ख़त्म हो जाए तो दूसरा स्टार्ट करूं, है ना, ये चीज़ें दो 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 चीज़ें बहुत चल रही हैं, ये करूं या वो करूं। अब पर्सनल रीडिंग ले लो फ्रेंड्स एक बार, अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है मनी मैटर्स का तो मुझे नहीं लग रहा आपको, रिलेशनशिप का ही लग रहा है। अच्छा, आप ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा बाहर जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा जाए, जो आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है ना वो सॉर्ट आउट हो सकता है फ्रेंड्स आपके, है ना। अभी मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रगल और है, इसको अपन को निकालना पड़ेगा। आप गुरु ग्रह की रेमेडी करें फ्रेंड्स, आपको केतु भी आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है यहाँ पे। केतु क्या होता है ना, आइसोलेशन वाला होता है, राहु होता है, राहु आपके दो रिश्ते भी साथ में चला देगा, अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, छुपा हुआ रहेगा। केतु बने हुए रिश्तों को बिगाड़ देता है, केतु का ये काम ही है, अगर वो खराब है और अच्छा भी है अगर, और किसी के साथ ऐसे बैठा हुआ है तो सातवें घर में तो कोई रिश्ता बचने ही नहीं देगा वो, बट फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी रहती है हर चीज़ की। आप इसको अपनी निगेटिविटी रिमूव करवाएं, आप अपनी एनर्जी रिमूव कराएं चक्रास से, चक्रा बैलेंस कराओ, मेरा ये आपसे सुझाव रहेगा, आपको इंस्टेंट असर दिखाएगा ये। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही, 41 डेज में आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, आप जितना इतना परेशान हो रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए सजेशन यही है, रेमेडी करें गुरु ग्रह की, ठीक है, अपना सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्र को, है ना, हील कराएं, एनर्जाइज कराएं उसको, सब कुछ होता है, थोड़ा लेट टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, तो हो जाएगा। बाकी अगर रेजोनेट होती है चीज़ें तो अब आपकी पर्टिकुलर कुंडली अगर देखूं मैं
तो फिर मुझे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आपसे रिलेट करे, बट हाँ कहीं ना कहीं को रिलेट तो करेगा। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो यूनिवर्स हमें वही चीज़ें दिखाती है जो हमारे लिए होती है ज़्यादातर। चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर टू, क्योंकि ये किसी के आपसे अगर रेजोनेट कर नहीं कर रही है, हो सकता है किसी और से रेजोनेट करे, उसको किसी रेमेडी के अगर गाइडेंस चाहिए। कई लोग नहीं बताते हैं कि अपन ने रीडिंग किया, बात ख़त्म, भैया आपका ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और फिनिश। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और आप रेमेडी किस चीज़ की करें, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये थोड़ा सा सपोर्ट मिले चीज़ों में, गाइडेंस मिले। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको नेक्स्ट रीडिंग के साथ आऊँगी, कुछ नया, कुछ अद्भुत लेके। चलिए फ्रेंड्स, बाय।